गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे इन दिसकस द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ दिसंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज वन हंड्रेडी ट्वेंटी मीटर क्लॉथ का कॉस्ट दिया हुआ है रुपीज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 28 मीटर्स ऑफ क्लॉथ तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन यूनिट्री मैथड तो पहले हम क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी एट मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ वन हंड्रेड सॉरी ट्वेंटी मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ वन हंड्रेड सिक्सटी तो यूनिटरी मेथर्ड में हम सबसे पहले क्या करते हैं पहले वन क्वांटिटी का निकालते हैं यहाँ पे ट्वेंटी मीटर का दिया हुआ है तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे वन मीटर का निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ वन मीटर ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगा जब ज़्यादा क्या दिया हुआ रहता है एक का निकालना तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं मतलब वन हंड्रेड सिक्सटी को डिवाइड करें किससे से ट्वेंटी से तो क्या हो जाएगा कितने टाइम्स में एट टाइम्स में तो क्या आ गया रुपीज़ एट वन मीटर का कॉस्ट कितना है एट रुपीज़ देर फॉर कॉस्ट ऑफ कितना निकालना है ट्वेंटी एट मीटर्स का ट्वेंटी एट मीटर ऑफ क्लॉथ का कितना हो जाएगा अब एक का निकाल दिए ज़्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एट से मल्टीप्लाई करें किसको? 28 ट्वेंटी एट को तो एटी टू एट इज सिक्सटी फोर फोर ईयर सिक्स कैरी एंड एट टू जिक्सटीन एंड सिक्सटीन प्लस सिक्स सिक्सटीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी टू डेट इज ट्वेंटी एट मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट आ गया टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन टू डिस्टेंसेज आर इन द रेशियो फिफ्टीन इज टू नाइन दो डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है फिफ्टीन इज टू नाइन द लार्जर डिस्टेंस इज़ वन हंड्रेड एटी मीटर जो बड़ा वाला डिस्टेंस है वो कितना है वन हंड्रेड एटी मीटर है फाइन द स्मॉलर डिस्टेंस तो रेशियोज़ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है डिस्टेंसेस का रेशियो कितना दिया हुआ है फिफ्टीन इज टू नाइन तो समियो क्या हो जाएगा सम ऑफ द रेशियो विल बी फिफ्टीन प्लस नाइन क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर लार्जर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है लार्जर डिस्टेंस इज़ वन हंड्रेड एट्टी किलोमीटर तो यहाँ पे हमारा दो डिस्टेंस का रेशियो पता है फिफ्टीन इज़ टू नाइन सम पता है हमें लार्जर डिस्टेंस भी पता है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है तो पहले लार्जर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा ये जो वन हंड्रेड एटी है लार्जर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा ये लार्जर रेशियो बाई सम ऑफ द रेशियो इसको पहले लिखते हैं ऐसे लार्जर डिस्टेंस इज इक्वल टू लार्जर रेशियो बाई सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल डिस्टेंस ठीक है लो जो लार्जर डिस्टेंस है हमारे यहाँ पे जो वन हंड्रेड एट्टी है वो किसके बराबर है कैसे ही निकला लार्जर रेशियो बाई सम ऑफ द रेशियोज़ इन टू टोटल डिस्टेंस तो लार्जर डिस्ट, लार्जर यहाँ पे लार्जर डिस्टेंस कितना है हमारा लार्जर डिस्टेंस वन हंड्रेड एट्टी वन हंड्रेड एट्टी किलोमीटर है लार्जर रेशियो कितना है फिफ्टीन है सम ऑफ़ द रेशियोज कितना है ट्वेंटी फ़ोर है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अभी नहीं पता है तो टोटल डिस्टेंस हम टोटल डिस्टेंस ही रखेंगे ठीक है तो टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना होगा तो इन दोनों जो फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फोर उसको तो इधर भेजना होगा तो क्या हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड एट्टी किलोमीटर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो जो ट्वेंटी फोर यहाँ डिवाइड में इधर आया क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये ट्वेंटी वन एटी के साथ और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में ये नीचे है तो इधर आकर ऊपर ये ऊपर है तो इधर आकर नीचे ठीक है ये वन हंड्रेड एट्टी कितने टाइम्स से डिवाइड होगा ट्वेल्व टाइम्स में तो ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फोर इज इट विल कम टू हंड्रेड एटी एट किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकल गया क्या टू हंड्रेड एटी एट किलोमीटर अब निकालना क्या है हमें फाइंड द स्मॉलर डिस्टेंस तो स्मॉलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा स्मॉलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस से ये लार्जर डिस्टेंस अप्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा एटी एट ओ ट्वेंटी दैट इज वन हंड्रेड एट किलोमीटर या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं स्मॉलर डिस्टेंस निकालने के लिए स्मॉलर रेशियो बाई सम ऑफ द रेशियो इंटू टोटल डिस्टेंस दैट इज स्मॉलर रेशियो कितना है नाइन सम ऑफ द रेशियो इज़ ट्वेंटी फोर और टोटल डिस्टेंस क्या आ गया हमारा टू हंड्रेड एट्टी एट ये कितने टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा ट्वेल्व टाइम्स में तो नाइन इंटू ट्वेल्व इज वन हंड्रेड एट किलोमीटर ठीक है यहाँ से वैसे निकाल सकते थे कि टू हंड्रेड एटी एट से वन एटी को सप्रैक्ट करें या फिर स्मॉलर डिस्टेंस निकालने के लिए स्मॉलर रेशियो बाई सम ऑफ द रेशो इज इंटू टोटल डिस्टेंस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन x बाई टू प्लस टेन इज इक्वल्स टू थर्टीन इक्वेशन हमें सॉल्व करना है क्या है क्वेश्चन x बाई टू प्लस टेन इज इक्वल टू थर्टीन एक्स का वैल्यू निकालना है तो जब भी एक सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे लीनर इक्वेशन सॉल्व करें तो यहाँ पे इंप्लाईज का साइन देते हैं या फिर इक्वल टू का साइन देते हैं ये पहले क्या करेंगे कि टेन को हम लोग इधर राइट right में भेजेंगे तो इधर ये प्लस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में डैट इज एक्स बाई टू विल बी इक्वल टू थर्टीन माइनस टेन डैट इज थ्री एक्स बाई टू हो जाएगा क्या थ्री अभी यहाँ पे जो टू है ये एक्स के साथ डिवाइड में है इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में डेट इज़ एक्स इज इक्व टू थ्री इन टू टू डेट इज सिक्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया सिक्स आ गया सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन लेवन स्मॉल ब्रैकेट ओपन वाई माइनस फोर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इज टू फोर्टी फोर इलेवन मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू फोर्टी फोर इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमें यहाँ पे y का वैल्यू ढूंढना है इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो y को डायरेक्टली इधर राइट साइड में भेज देंगे या फिर क्या करेंगे सॉरी इलेवन को राइट साइड में भेज देंगे या फिर इलेवन जो है इन यहाँ पर वाई से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर से भी मल्टीप्लाई होगा हम दोनों मेथड देखते हैं तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि इलेवन को हम लोग राइट साइड में भेजेंगे तो वाई माइनस फोर इज इक्वल टू इधर ये मल्टीप्लाई में है वाई माइनस फोर के साथ तो इधर राइट right साइड बदलेगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा दैट इज फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई इलेवन हो जाएगा क्या फोर टाइम्स दैट इज वाई माइनस फोर इज इक्वल टू फोर और वाई के साथ ये माइनस फोर है तो राइट right साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस फोर डैट इज़ वाई इज इक्वल टू फोर प्लस फोर वाई हो जाएगा एट द नेक्स्ट मेथड ऑल्सो यहाँ पे इलेवन को क्या करेंगे हम लोग वाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे और फोर से भी मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज इलेवन इंटू वाई इज़ पहले तो प्लस इंटू प्लस प्लस इलेवन इंटू वाई इज लेवन वाई प्लस माइनस माइनस इलेवन इंटू फोर इज फोर्टी फोर इज इक्वल्स टू फोर्टी फोर अब ये यहाँ पे माइनस फोर्टी फोर है राइट साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस फोर्टी फोर इज इलेवन वाई इज इक्व टू फोर्टी फोर प्लस फोर्टी फोर इज एटी एट इलेवन वाई इज टू एटी एट यहाँ पे इलेवन जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई में इलेवन इन टू वाई है तो राइट right साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा दैट इज़ वाई इज इक्वस टू एटी एट डिवाइडेड बाई इलेवन क्या हो गया ये वाई इज इक्व टू एट ठीक है सी द नेक्स्ट पी माइनस एट इज इक्वस टू माइनस थर्टीन पी माइनस एट इज इक्वस टू माइनस थर्टीन पी का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे एट को हटाना होगा इधर ये माइनस एट है राइट साइड में आके क्या हो जाएगा वो प्लस एट हो जाएगा दैट इज पी इज इक्वल्स टू माइनस थर्टीन प्लस एट तो यहाँ पे देखिए एक का एक नंबर का साइन माइनस है एक प्लस में है ऑपोजिट दोनों साइन है जब दोनों ऑपोजिट साइन होता है तो हम लोग सप्रैक्ट करते हैं और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम लोग देते हैं तो यहाँ पे कौन बड़ा है थर्टीन बड़ा है तो थर्टीन का साइन क्या है माइनस दोनों ऑपोजिट साइन है तो दोनों के बीच क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो थर्टीन में से एट सब्ट्रैक्ट हुआ तो फाइव दैट इज पी इज टू माइनस फाइव द नेक्स्ट कन्वर्ट जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन ग्राम इंटू मिलीग्राम हायर को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना है हायर टू लोअर मिली सेंटी डेसी मिलीग्राम सेंटीग्राम डेसी ग्राम डेकाग्राम एक्टोग्राम किलोग्राम यहाँ पे हमें ग्राम को कन्वर्ट करना किसमें? है किसमें मिलीग्राम में हाइयर हायर टू लोअर तो क्या करेंगे वी विल मल्टीप्लाई हियर तो जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन ग्राम इनटू मिलीग्राम तो पहले लिखेंगे वन ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है कितना स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं मिली सेंटी डेसी ग्राम एक दो तो, तीन थाउजेंड थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज थाउजेंड मिलीग्राम होगा देयर फॉर जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन ग्राम में क्या हो जाएगा थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेट इज़ीरो पॉइंट जीरो टू सेवन मल्टीप्लाईड बाई थाउजेंड मिलीग्राम तो यहाँ पे तीन ज़ीरो यहाँ पे तीन नंबर पर डेसिमल डेसिमल क्या होगा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन मिली ग्राम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन फोर वन बाई एट माइनस ब्रैकेट ओपन वन वन बाई फोर प्लस टू वन बाई टू यहाँ पे जो तीनों नंबर्स यहाँ पे तीनों मिक्स फ्रैक्शन में तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा थर्टी थ्री बाई एट माइनस ये क्या हो जाएगा फाइव बाई फोर प्लस फाइव बाई टू तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट का, का काम करेंगे तो ये थर्टी थ्री बाई एट ही रहेगा माइनस ये फोर और टू कैल्शियम फोर यह हो जाएगा फाइव प्लस यहाँ पे टू से कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा टू से तो ऊपर भी क्या हो जाएगा टू से डेट इज़ टेन यह आ गया क्या थर्टी थ्री बाई एट माइनस ये हो जाएगा क्या फ़िफ्टीन बाई फोर जब फिफ्टीन बाई फोर हो तो ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ पे फिफ्टीन बाई फोर तो फोर और एट और फोर का एल्सियम क्या हो जाएगा एट होगा यहाँ थर्टी थ्री और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा फिफ्टीन में टू मल्टीप्लाई होगा तो थर्टी दैट इज थ्री बाई एट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट थर्टीन बाई ट्वेंटी ऑफ टू मीटर्स थर्टीन बाई ट्वेंटी निकालना है थर्टीन बाई ट्वेंटी पार्ट निकालना है टू मीटर्स का तो पहले हम क्या करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो वन मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर देर फॉर टू मीटर में क्या क्या हो जाएगा टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो थर्टीन बाई ट्वेंटी ऑफ में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई का साइन टू टू मीटर मतलब टू हंड्रेड सेंटीमीटर ये डिवाइड हो तो क्या हो जाएगा टेन दैट इज़ वन हंड्रेड थर्टी सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर ठीक है ना नाइन्थ क्वेश्चन ट्वेंटी फोर कॉमा एक्स कॉमा एटीन कॉमा फिफ्टीन फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ये जो तीन चारों जो नंबर्स है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म दिज आर इन प्रोपोर्शन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है ट्वेंटी फोर एक्स एटीन एंड फिफ्टीन दीज आर द एक्सट्रीम टर्म्स एंड दीज आर द मिडल टर्म्स तो प्रोपोर्शन में है मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स है ये दोनों मीन टर्म्स हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शन में है वी हैव टू द एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में है मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज ट्वेंटी फोर इंटू फिफ्टीन इज इक्वल टू एक्स इंटू एटीन ठीक है तो यहाँ पे देखिए एक्स को हम लोग क्या करेंगे इस पोर्शन को लेफ्ट में ले आएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एटीन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर ही मल्टीप्लाई में, क्या में है इधर आ गया हो जाएगा डिवाइड में दैट इज ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एटीन ये थ्री के टेबल में फाइव टाइम्स ये थ्री के टेबल में सिक्स टाइम इस सिक्स के टेबल में वन टाइम सिक्स के टेबल में फोर टाइम दैट इज फाइव फोर इंटू फाइव इज ट्वेंटी एक्स का वैल्यू क्या आ गया ट्वेंटी आ गया सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ वन टेंथ एंड सेवन टेंथ्स सम निकालना है मतलब एडिशन करना है किसका किसका वन टेंथ का वन बाई टेन का एंड सेवन टेंथ्स का सेवन टेंथ तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोम टें वही रह जाएगा एंड वन प्लस सेवन इज एट बाई टेन जब इसे सिम्पलेस्ट फॉर्म में करें तो ये फोर हो जाएगा ये फाइव दैट इज़ फोर बाई फाइव हो गया So, this was about the answers of the revision of 21st December. That's all for today. Thank you.